हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? बल्ले बल्ले हो रही है? बिल्कुल जी। देखिए, जैसे कि आपको पता होगा कि मैंने कल एक लाइव स्ट्रीम करा था, जिसमें आप सभी की डिमांड ये थी कि सर एसएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है सीएचएसएल का, उसके रिगार्डिंग कुछ वीडियो बनाइए जीके के। तो उस बात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आज का ये वीडियो तैयार करा है, और इसमें कवर करे हैं मैंने टोटल आज 20 क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चंस होंगे मल्टी चॉइस क्वेश्चन, राइट? और हर एक क्वेश्चंस को आपने भी अटेम्प्ट करना है। आप मुझे प्रॉमिस करिए कि आप भी अटेम्प्ट करेंगे और अपना जो भी स्कोर बनेगा मुझे कमेंट पक्का करेंगे, और वीडियो के अंत में इसी में से एक क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है? तो देखते हैं कि आपको कितना याद रहा और कितना आप भूले। देखिए, या तो मैं इसमें से पूछ सकता हूँ या कहीं और से, काफ़ी बेसिक पूछूंगा, डरिए मत, बने रहिए और जानिए अपना लेवल की आप किस लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो आपके सामने चार ऑप्शन है पर्सनालिटी के। पहला है आपका प्रणब मुखर्जी, सेकंड अमर्त्य सेन, मनमोहन सिंह एंड कृतेश राज मदार। सोचिए, लीजिए टाइम, लेकिन 8 सेकंड से ऊपर नहीं। 8 सेकंड में आपको क्वेश्चंस पढ़ना भी है, ऑप्शन भी पढ़ना है और अपना राइट आंसर भी देना है, ठीक है? तो 8 सेकंड आई थिंक ओवर हो गए होंगे। मैं करता हूँ इसका इसका आंसर जो है वो है आपका अमर्त्य सेन। बड़े क्वेश्चन नंबर 2। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? बकिम चंद्र, श्याम लाल प्रसाद गुप्त, रविंद्रनाथ टैगोर, देविकानंदन पंत। फटाफट लगाइए अपना आंसर, लिख लीजिए पेपर में क्वेश्चन नंबर 2, फिर लिखिए उसके आगे ए बी सी डी जो भी आपका राइट आंसर होगा वो, और टैली करिए मेरे आंसर से। इसका राइट आंसर है आपका श्याम लाल प्रसाद गुप्त। क्वेश्चन नंबर 3। आगरा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बहुत लड्डू क्वेश्चन है ये। चलिए टाइम मत लेना, फटाफट लगाइए आंसर इसका। इसके लिए 8 सेकंड किया, इसके लिए शायद 2 सेकंड बहुत हैं। तो इसका राइट आंसर है यमुना। क्वेश्चन नंबर 4। साबरमती नदी के किनारे निम्न में से कौन सा शहर बसा हुआ है? इलाहाबाद, लखनऊ, अहमदाबाद, मुंबई। लगा लिया राइट आंसर अपना, दे दीजिए अपना आपको 1 नंबर। तो इसका राइट आंसर है अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 5। अयोध्या जो ये है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? महानदी, गंगा, सरयू, सतलुज। राइट आंसर सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है अयोध्या। देखिए, इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस रिवर को लेके लिए हैं क्योंकि आपके एग्जाम में एक रिवर से संबंधित क्वेश्चंस पक्का आने वाला है, तो इसलिए तैयारी कर लेना उसकी। अगला है आपका वो शहर चुने जो नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है? कानपुर, दिल्ली, जबलपुर, इंदौर। ये क्वेश्चंस आपका एसएससी के एग्जाम में से ही रिवर के खास तौर स्पेशल मैंने उठा करके यहीं पे मैंने स्लाइड्स में तैयार करे हैं, तो ये एसएससी में पूछे गए हैं सभी क्वेश्चंस। तो बताइए राइट आंसर क्या है इसका, जबलपुर। क्वेश्चन नंबर 7। उत्तर प्रदेश का कन्नौज शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना, गोदावरी, गंगा, सरस्वती। बात कर रहा है कन्नौज। राइट आंसर गंगा। क्वेश्चन नंबर 8। उस शहर को चुनिए जो शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है? हाजीपुर, सांगली, उज्जैन, पुणे। फटाफट, बहुत ही डीप क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं है, बट थोड़ा सा दिमाग को जोर डालेंगे आपको आ जाएगा इसका आंसर। देखिए, मैं स्पेशल नदी को ही कवर करवा रहा हूँ इस वीडियो में, क्योंकि नदी आप चैप्टर बहुत जल्दी स्किप कर जाते हैं माइंड से, तो इस वीडियो के माध्यम से सबकी तैयारी होगी। इसका राइट आंसर है उज्जैन। क्वेश्चन नंबर 9। जो कटक है आपका वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? ये भी एसएससी में पूछा गया था, सरस्वती, सांगपो, मूसी, महानदी। राइट आंसर होगा इसका आपका महानदी। क्वेश्चन नंबर 10। उस जगह को चुनिए जो कावेरी नदी के किनारे है? श्रीनगर, चंडीगढ़, तिरुचिपल्ली या फिर इरोड। फटाफट लगाइए अपना आंसर। लगा लिया, वेरी गुड, राइट आंसर है इसका तिरुचिपल्ली। क्वेश्चन नंबर 11। सावित्री नदी निम्न में से किस जगह से होकर गुजरती है? नासिक, महाड, नांदेड़,
वल्लोर। तो इसका राइट आंसर होगा महाड। क्वेश्चन नंबर 12, सावित्री नदी का उद्गम स्थान क्या है? नासिक, महाबलेश्वर, लवासा, हस्तिनापुर। राइट आंसर महाबलेश्वर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि कौन सी नदी रायगढ़ और रत्नागिरी के बीच सीमा रेखा के रूप में कार्य करती है? मूसी, सावित्री, कृष्णा, कोयना। राइट आंसर है इसका सावित्री। क्वेश्चन नंबर 14, सावित्री नदी निम्न में से किस जगह से होकर नहीं निकलती है? नहीं की बात कर रहा है, कोंकण, महाड़, पोलादपुर, पुणे। तो इसका राइट आंसर है पुणे। क्वेश्चन नंबर 15, कृष्णा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? पुणे, महाबलेश्वर, नागपुर, विजयवाड़ा। तो इसका राइट आंसर है महाबलेश्वर। क्वेश्चन नंबर 16, महाबलेश्वर कितनी नदियों का उद्गम स्थान है? 7, 6, 5, 3। तो इसका राइट आंसर है आपका 5, पंजाब। आपको पता होगा पंजाब में 5 नदियां बहती हैं, कभी कभी क्वेश्चन वहां से पूछ लेता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 है कि किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर महाराष्ट्र नहीं है? मूसी, सावित्री, कृष्णा, कोयना। थोड़ा वीडियो को पॉज कर लीजिए, राइट आंसर लगाइए, इसका राइट आंसर आपको मिलना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका मूसी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, महाबलेश्वर का उच्चतम स्थान कौन सा है? विल्सन पॉइंट, केंट पॉइंट, आर्थर सीट या फिर 3 मंकी पॉइंट। राइट आंसर विल्सन पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 19, आर्थर सीट पॉइंट कहाँ स्थित है? दिल्ली, महाबलेश्वर महाराष्ट्र, अहमदाबाद गुजरात, ऊटी तमिलनाडु। राइट आंसर महाबलेश्वर महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 20, नीडर होल पॉइंट जिसे एलिफेंट पॉइंट भी कहा जाता है किस शहर में है? कुन्नूर, ऊटी, शिमला, महाबलेश्वर। वीडियो करिए पॉज, लगाइए अपना राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा आपका महाबलेश्वर। तो फ्रेंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, और ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, और अपना फाइनल स्कोर मुझको कमेंट करके ज़रूर शेयर करिएगा अपना स्कोर। और अगर आपकी रिवर में हाथ बहुत टाइट है, अगर आपकी तैयारी रिवर से संबंधित कुछ खास नहीं है, तो एक बार रिवर का जो भी चैप्टर आपके लूसेंट बुक में नीली वाली उसको उठा लीजिए, उसमें से रिविज़न लगा लीजिएगा एक बार। और अगर आपने अब तक लूसेंट बुक नहीं पढ़ी है, आपको नहीं पता कि लूसेंट बुक के कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल पे बन चुके हैं, पूरी बुक का एक एक वीडियो एक एक पेज को स्कैन करके इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमने हाईलाइट करवा रखा है, वो वीडियो प्राप्त करने के लिए आप क्लिक करेंगे प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आपको मिलेगी लूसेंट जी के वीडियो की प्लेलिस्ट। ऑडियो वीडियो दोनों हैं, बट आपको वॉच करना है ओनली वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द